सब्सक्राइब करें न्यूज 89 चैनल को और बेल आइकन दबाना ना भूलें सबसे तेज सबसे पहले खबरें देखने के लिए। धन्यवाद। आज राजपुरा की अनाज मंडी में पंजाब सरकार की ओर से धान की खरीद शुरू की गई, जिसका शुभारंभ हल्का राजपुरा के विधायक सरदार हरदयाल सिंह कंबोज के सपुत्र निर्भय सिंह मिल्टी द्वारा अनाज मंडी राजपुरा में की गई। इस मौके पर निर्भय सिंह मिल्टी के साथ विशेष तौर पर सरदार गुरदीप सिंह दमोली सरपंच मोहब्बत बाजवा भी मौजूद रहे। इस मौके पर अनाज मंडी पहुँचने पर निर्भय सिंह मिल्टी का स्वागत मंडी के प्रधान सरदार हरदीप सिंह लाडा व उनकी टीम द्वारा किया गया। इस मौके पर निर्भय सिंह मिल्टी ने पत्रकारों से बात करते हुए बताया ऑफिशियल सेल जी फसल की है शुरू कराने जा रहे हैं। राजपुरा विखे एम एल ए साहब की गैरहाजरी के मैं हुक्म उन्होंने किया उस संबंधित अज असी सारे इतने एकत्र हुए। पंजाब सरकार ने जो किसानों जो आढ़ती भाईचारे जो वादा किया बहुत वधिया तरीके निभावांगे और मैं आप सब नूं विश्वास दवाना भी फसल की कले कले दाने का मुल ऑन टाइम पंजाब सरकार देगी और कला कला दाना जिमीदार दा लिफ्ट किया जाएगा और ना किसी आड़ती कोई प्रॉब्लम आने देवे किसी तरह की कोई परेशानी दिक्कत कोई आती भी है इनकेस वैसे नहीं आने देवे जो होंगी भी है तो एम एल ए साहब खुद अवेलेबल ने मैं खुद अवेलेबल हाँ साड़ी सारी टीम इतने अवेलेबल है सारिया प्रॉब्लम श्रोमणी अकाली दल बीजेपी का की हाल हो रहा है तुसी सोशल मीडिया से देख लो उन्हां दे सो कॉल्ड जिले के प्रधान साहब किस तरह के रंग रलियां मनाते जिन्हें फड़े गए उन्होंने लक्षण तुम देख चुके अब सवेर के चल रहे हैं सोशल मीडिया से जो बीजेपी के उत्थे कैंडीडेट ने बड़ा अजीब जहा बंदा वह मैं तो स्टेटमेंट्स मैं सुनता रहना सोशल मीडिया से उन्होंने मैं एक बार मिलया भी इतने ज्ञान सागर आया जो ज्ञान सागर का इशू होया राजपुरे उदो यह खरीदन फिर राजपुरे ज्ञान सागर में इन्हें उदो लोगों का बेवकूफ बनाने की उन्हें कोशिश की तो ठग जे किस्म का आदमी कोई गल नहीं। जाखड़ साहब की बहुत वड्डी शख्सियत हैं जाखड़ साहब स्टेट लैवल के लीडर ने और कांग्रेस पार्टी बड़ी ही वधिया तरीके कंपेन चला रही है और राजपुरा से कैमरामैन ललित कुमार के साथ मीडिया पर्सन दिनेश सचदेवा न्यूज 89। सब्सक्राइब करें न्यूज 89 चैनल को और बेल आइकन दबाना ना भूलें सबसे तेज सबसे पहले खबरें देखने के लिए। धन्यवाद।